हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के मरण दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद निशाने पर आए बाड़मेर की भाजपा नेता और UIT चेयरपर्सन डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने सफाई देते हुए वीडियो मैसेज जारी किया है। एक भोली कौम होती है और आज ये फिर साबित हो गया। मैं 2 दिन से ढाणियों में जनसंपर्क में लगी हुई थी, अचानक मुझे फोन आता है कि आपको रक्तदान शिविर में आना है और ये बिल्कुल नहीं बताया जाता कि वहाँ एक कुख्यात गैंगस्टर अनंत पाल की बरसी मनाई जा रही है। फोटो तो सभी जगह फैलाई जाती है लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो किसी को नहीं बताई जाती। जिस तरह जाल फैलाकर एक किसान की बेटी को फंसाया गया ये साबित करता है कि किसान कौम के भोलेपन का हमेशा फायदा उठाया गया। आनंद पाल एक अपराधी था और अपराधी ही रहेगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो। रावणा राजपूत समाज को स्वयं भी ये समझना चाहिए कि जिस अपराधी को वो अपने समाज के शहीद सैनिकों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे थे तो क्या उन शहीद सैनिकों में और आनंद पाल के बीच में कोई अंतर नहीं है। और जिन लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र करके मुझे फंसाया है मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि मैं एक जाट की बेटी हूँ और किसान कौम मेरे खून में बसता है और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो हमें अलग करने की, लेकिन मैं किसानों की आवाज हमेशा उठाती रहूंगी। तुम हमें अलग नहीं कर सकते और अब आगे से तो और जोर शोर से किसानों की आवाज उठाऊंगी। तुम्हारे हथकंडे खत्म हो जाएंगे पर मेरा यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।